हिमाचल में 8 जनवरी को मंत्री लेंगे शपथ। एमएलए विक्रमादित्य सिंह समेत 7 नाम तय। सुबह 10 बजे होगा समारोह। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री 8 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री राजभवन में मंत्रियों के शपथ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुटाई गई जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री पुणे के लिए रवाना होंगे। मंत्रियों को शपथ दिलवाने के बाद राज्यपाल भी छुट्टी पर गोवा जा रहे हैं। सभी मंत्रियों को शपथ न दिलाकर लगभग 7 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलवाने की संभावना है। इन विधायकों को मंत्री की कुर्सी मिलने की उम्मीद। पूर्व सीपीएस एवं जुब्बल कोटखाई सीट से विधायक रोहित ठाकुर को मंत्री पद मिल सकता है। पूर्व मंत्री एवं ज्वाली सीट के विधायक चंद्र कुमार भी इस मंत्री की लिस्ट में शामिल है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं किन्नौर सीट से 5 बार चुनाव जीते जगत सिंह नेगी का नाम भी इस लिस्ट में है। पूर्व सीपीएस एवं घुमारवी सीट से विधायक राजेश धर्माणी भी कल शपथ ले सकते हैं। पूर्व मंत्री एवं सोलन सीट से विधायक धनीराम शांडिल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे व शिमला ग्रामीण सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके विक्रमादित्य सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। कुल्लू सीट से लगातार 2री बार चुनाव जीते विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी कल शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री एवं शिलाई सीट से विधायक हर्षवर्धन चौहान भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इन सभी विधायकों की कल शपथ हो सकती है। ये सभी विधायक कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने स्पेशल मैसेंजर को राजभवन भेजकर राज्यपाल से अपने मंत्रियों को शपथ दिलाने का पत्र दिया। इसके बाद ही राज्यभवन सचिवालय ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण का समय सुबह 10 बजे तय किया है। पहले चर्चा थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और उन्हें अपने मंत्रियों को शपथ दिलाने का पत्र देंगे। 10 लोगों की सूची हाईकमान को सौंपी। दिल्ली से शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने 10 लोगों की सूची हाईकमान को सौंपी है। वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। एक सवाल के जवाब में सुक्खू ने कहा कि हाईकमान से सूची आज आ जाती है तो कल मंत्रियों की शपथ होगी। कल आई तो परसों होगी और परसों नहीं आई तो राहुकाल चला है, तब 15 को शपथ होगी। उन्होंने कहा कि कल उनका पुणे जाने का भी प्रोग्राम है। गौरतलब है कि कैबिनेट विस्तार में देरी से विपक्ष निरंतर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के लिए इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि प्रदेश में चुनावी नतीजे आने के 1 माह बाद भी कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है। इससे जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं जो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए थे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये व्यवस्था परिवर्तन है, कैबिनेट विस्तार जरूर होगा लेकिन कल वो पुणे के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देर हुई हो। मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच चली आ रही खींचतान को भी हवा देती नजर आ रही है। मंत्रियों का चयन नहीं कर पाने के कारण हो रही है देरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रियों का चयन नहीं कर पाने के कारण मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देरी हुई। मंत्रियों के चयन को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा और शिमला जिले में पेच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल की दौड़ में 15 विधायक शामिल है जबकि 10 विधायक मंत्री बनाए जाने हैं। मिली जानकारी के अनुसार 10 में से भी 2 या 3 सीटें खाली रखी जाएगी। पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी मंत्रियों के 2 पदों को खाली रखा गया था जिन्हें 3 साल बाद भरा गया था। शिमला से विधायक रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह के नाम मंत्री पद की दौड़ में तय माने जा रहे हैं। मोहनलाल ब्रक्टा और अनिरुद्ध सिंह के नाम पर पेच फंसा हुआ है। कांगड़ा से संजय रतन और पालमपुर से आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में है। धर्मपुर सीट से पहली बार जीत कर आए चंद्रशेखर को भी सरकार कोई अहम पद सौंप सकती है। सोलन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल धनीराम शांडिल, संजय अवस्थी और राम कुमार ने भी मंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी है। राजभवन शिमला में शपथ की तैयारियां शुरू।
इधर राजभवन में भी मंत्रियों की शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार से पत्र मिलते ही राजभवन सचिवालय ने मंत्रियों के शपथ को लेकर निमंत्रण पत्र जारी कर दिया है। रविवार 8 जनवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर अपने घर गोवा जाएंगे। उनका 15 जनवरी को वापस लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में अब रविवार को सुबह 10 बजे शपथ दिलाने का कार्यक्रम होने वाला है। इसी तरह की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डीजी हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके कोई सुझाव है या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।